इसी क्रम में मैं आपके बीच में जो अगला दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है हमारे लिए नई नई समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है, तो ऐसे हालात में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए, तभी जा कर के देश में इन जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति को हम कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए कविराज, अमृतवाणी आपकी सेवा में एक दोहा लेकर के दोहे के माध्यम से क्या कहते हैं। जनसंख्या जब कम रहे अच्छे हो ये विकास, रोजगार सबको मिले सुंदर हो आवास। देश के चौमुखी विकास में जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनसंख्या का रोल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आबादी अगर कम रहेगी, आबादी नियंत्रण में रहेगी, तो हमारे देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, जो विकास की दर है वो बराबर बनी रहेगी, विकास अच्छा होगा। आबादी कम होगी तो बहुत ही कम गति से जब ये जनसंख्या बढ़ेगी तो सभी को पर्याप्त सुख सुविधाएं मिलती रहेगी और आशा के अनुरूप देश का चौमुखी विकास होगा। हम हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे, लेकिन अगर आबादी ओवर कंट्रोल हो गई जैसा अभी पिछले कुछ वर्षों से लगातार हिंदुस्तान में हो रहा है, तो हम विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं से जूझते आ रहे हैं, तो देश की प्रगति उतनी नहीं हो पाती, देश की प्रोग्रेस वो नहीं हो पाती जो अपेक्षित है, जिस लेवल का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें रोजगार सबको मिलेगा, अगर कंट्रोल आबादी कंट्रोल में रही तो सबको रोजगार मिलेगा, सबको अच्छे कपड़े मिलेंगे, सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको रहने के लिए अच्छे मकान मिलेंगे। ये कब संभव होगा? जब हमारी आबादी नियंत्रित रहेगी, तो हमें अपनी आबादी को जनसंख्या विस्फोट जैसी घातक स्थिति को तुरंत कंट्रोल करने की आवश्यकता है और इन ज्वलंत समस्याओं को हमें जो है मिलजुल करके एक मत बना करके राष्ट्र हित में हमें ठोस निर्णय लेने होंगे, तभी जाकर के हम किसी एक संतोषप्रद स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बड़ा ठोस निर्णय होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो देश हित में है उसे हम सबको स्वीकार करनी हो, मैं अपेक्षा करता हूँ। हम इस जनसंख्या विस्फोट वाली इस जनसंख्या समस्या पर भी एक अच्छा सा ऐसा सर्वसम्मति से ऐसा कोई कानून धारा बने जिससे ये समस्या भी दूर हो। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।